हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अपाचे आरटीआर 162V वर्सेस 4V में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि दोनों बाइक में एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, दोनों बाइक की कितना प्राइस डिफरेंसेस है, 180 में पावर कितना ज़्यादा है, अपाचे 160 आरटीआर 2V में पावर कितना कम है एज़ कम्पेयर टू 180। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों दोनों बाइक के बीच में कंपेरिजन करने वाले हैं कि दोनों बाइक में आपको कितना डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो 2V भी ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो 162V भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको कि 180 में कितना ज़्यादा पावर रहता है। तो ये सारे कंपैरिजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ब्रांड न्यू TVS अपाचे आरटीआर 162V वर्सेस 182V। पहले आपको क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, फिलहाल जो 182V न्यू मॉडल LED वाला वो हमारे आया नहीं है, 162V LED वाला हमारे आ चुकी है। जैसी दोस्तों ये बाइक आती है उसका कंप्लीट रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस कंपेरिजन के बारे में, दोनों बाइक के टॉप मॉडल के बारे में बात करेंगे। अपाचे आरटीआर 162V जो आपको मिलती है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली, वो एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,24,000, 1,24,000 रुपए के आसपास की एक्सरूम प्राइस पड़ती है। और अगर बात करें अपाचे आरटीआर 180 के बारे में तो ये आपको एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,30,000, 1,30,000 रुपए के आसपास की एक्सरूम प्राइस पड़ती है। मतलब कि अगर आप प्राइस कंपैरिजन करोगे तो अराउंड आरटीआर 180 जो है वो 6,000 रुपये ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू 160। और अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो आपको 162V 1,51,000, 1,51,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ती है, और आरटीआर 180 आपको 1,60,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। मतलब अराउंड 8,000 से 9,000 रुपये के आसपास का प्राइस डिफ्रेंसेज आपको दोनों बाइक में देखने को मिलता है। हालांकि ज़्यादातर भाई मुझे लगता है कि ये कोई ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, काफ़ी कम आपको प्राइस डिफरेंस दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इंजन कंपैरिजन कर लेते हैं अब दोनों बाइक का, क्योंकि मेजर जो डिफरेंस आपको इंजन कंपैरिजन में ही देखने को मिलेगा। आरटीआर 160 यानी कि 160cc में SI 4-स्ट्रोक एयर कूल 2VOLO SOSC फ्यूल इंजेक्टर इंजन मिलता है, 180 में SI 4-स्ट्रोक ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। देखिए, ध्यान रखिए, 180 में ऑयल कूल इंजन आता है, 160 में एयर कूल इंजन आता है, पहला डिफरेंस। 160 में 159.7cc का इंजन यूज़ किया गया है और 180 में 177.4cc का इंजन जो यूज किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ है 160cc और एक तरफ है 180cc। लेकिन अगर बात करें पावर के बारे में तो नई वाली आरटीआर में आपको पता है थोड़ा सा पावर बढ़ाया गया है 160 में, जो कि 16.04 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है और 180 17.02 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है। मतलब कि 1 PS के आसपास की जो पावर है वो आपको 180 में ज्यादा देखने को मिलेगी। 13.85 के न्यूटन मीटर टॉर्क आपको 160 में देखने को मिलती है और 15.5 के आसपास के इंटरमिटेंट टॉर्क आपको 180 में देखने को मिलती है। मतलब 1 न्यूटन मीटर के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं पावर एंड टॉर्क में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा पावर आपको 180 में देखने को मिलेगा। बाकी इंजन में आपको BS6 नॉर्म्स है, 2 VOLO के साथ पे दोनों ही बाइक आती है, दोनों बाइक में आपको नंबर ऑफ 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कूलिंग सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, 180 में ऑयल कूल इंजन आता है, 160 में एयर कूल इंजन आता है, लेकिन इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑलमोस्ट दोनों ही बाइक का जो इंजन है वो सेम परफॉर्म करता है, लेकिन 180 थोड़ा सा बेटर आपको परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर देगी। तो ये तो दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट इंजन कंपेरिजन हो गया। बात कर ली दोस्तों दोनों बाइक की माइलेज के बारे में, तो माइलेज में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलेगा। 160 आपको अराउंड 45 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देती है, लेकिन 180 आपको अराउंड 40 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देगी। टॉप स्पीड दोस्तों 160 की अराउंड 110 से 115 किलोमीटर पर आवर है, 180 के अराउंड 115 से 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों दोनों का आप लोगों ने देख लिया परफॉर्मेंस और इंजन कंपैरिजन, जो कि ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है, 180 में थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात कर ले दोनों बाइक की लाइट्स के बारे में, तो दोनों ही बाइक में अब आपको सेम लाइट मिलती है, सेम आपको बाइक में डुअल LED सेटअप में लाइट देखने को मिली है जो कि लेटेस्ट वाली है। सेम लाइट है, लाइट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। फ्रंट में आपको दोनों ही बाइक में LED देखने को मिल जाता है, टर्न सिग्नल लैंप बल्ब मिलता है, और टेल लाइट में आपको दोनों बाइक में प्योर LED लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी दोनों बाइक की टेल लाइट। टायर साइज़ के बारे में अगर बात करें तो टायर साइज भी आपको दोनों बाइक में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं, उसमें भी कोई डिफरेंसेस है नहीं।
फ्रंट में आपको 1990 के टायर देखने को मिल जाते हैं और रियर में लगभग 120-70 के आसपास के टायर देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अपाचे आरटीआर 160 में भाई टीवीएस वालों ने ऑफिशियल बोला था कि 120 आएंगे इसमें, लेकिन 110 वाली टायर आए, ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। टॉप मॉडल में शायद आप लोगों को जो टायर साइज़ है वो बड़े देखने को मिल जाए, इसके चांसेस है। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री हो, कमेंट करना कि आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी थी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कर ली दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो स्पीडोमीटर में तो अब दोनों बाइक में कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम फुली डिजिटल मीटर वाला स्पीडोमीटर दोनों ही बाइक में यूज़ किया गया है, जिसमें आपको फीचर जो ऑलमोस्ट सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, आरपीएम मीटर, लो ऑयल इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, और साथ में दोनों ही बाइक में आपको बताना चाहूँगा राइडिंग मोड्स ऐड किए गए, नंबर ऑफ 3 मोड्स मिलते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स, तीनों ही मोड्स आपको बाइक में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दोनों बाइक के बीच में कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। बात करें दोनों बाइक के डिमिनेशन एंड कैपेसिटी के बारे में, दोनों बाइक की सीट हाइट सेम है 790 mm की, आपकी हाइट अराउंड 5.2 से ऊपर आप दोनों बाइक को कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों बाइक की सेम है, 12 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप है दोनों बाइक में। प्लस दोस्तों बताना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को टेल लाइट में एलईडी मिलती है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों बाइक का ऑलमोस्ट डिमिनेशन भी सेम देखने को मिल जाता, तो यहाँ पे भी आपको दोनों बाइक में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलता। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि दोनों बाइक का अगर कंपेरिजन करोगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर आपको दोनों बाइक में इंजन कंपेरिजन यानी कि इंजन की पावर में डिफरेंसेस देखने को मिलता है, और कोई ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं दोनों बाइक में। आप दोनों में आप कौन सी बाइक लेने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी इंटरेस्ट वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।